जीरो टू इन्फिनिटी। कोल माइन रेगुलेशन 2017 के चैप्टर 2 में इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं रेगुलेशन नंबर 5 से। रेगुलेशन नंबर 5 है नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट, क्लोजर एंड डिसकंटिन्यूएंस। रेगुलेशन नंबर 5 का सब रेगुलेशन 1 देखिए क्या है। व्हेन इट इज इंटेंडेड टू अबैंडन और क्लोज अ माइन और सीन और टू डिसकंटिन्यू वर्किंग्स देयर ऑफ फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 60 डेज, द ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल गिव अ नोटिस इन द फॉर्म एंड मेथड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर फॉर द पर्पज टू द चीफ इंस्पेक्टर, द रीजनल इंस्पेक्टर एंड टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्टेटिंग द रीजंस फॉर सच अबैंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस एंड द नंबर ऑफ पर्संस लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाय नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर सच अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस। जब भी ऐसी कोई मंशा हो कि किसी माइन या फिर सीन को अबैंडन करना हो, क्लोज करना हो या उसकी वर्किंग्स को डिसकंटिन्यू करना हो 60 दिनों से ज्यादा के लिए, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो उनको चीफ इंस्पेक्टर द्वारा नोटिफाई किए गए फॉर्म और मेथड में एक नोटिस देना है तीन अथॉरिटीज को, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, और उस नोटिस में ये बताना है कि क्या कारण थे जिसकी वजह से अबैंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस किया गया और साथ ही इसके कारण कितने लोग प्रभावित होंगे। और ऐसा जो नोटिस देना वो 30 दिन पहले देना है, अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस करने से 30 दिन पहले देना है। एक चीज यहां पर आप गौर कर सकते हैं कि माइन और सीन दोनों चीजें लिखी हुई हैं, ऐसा क्यों लिखा हुआ है। सपोज कीजिए अगर किसी माइन में एक सिंगल सीन की वर्किंग है तो उसको कह सकते हैं हम, ठीक है माइन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, माइन को अबैंडन कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी माइन बंद हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि किसी माइन के अंदर में मल्टीपल सीम वर्किंग हो, दो सीम, चार सीम, छह सीम पे काम कर रहे हों और किसी एक सीम को अबैंडन कर रहे हों, डिसकंटिन्यू कर रहे हों या क्लोज कर रहे हों, तो उस केस में उस सीम के लिए नोटिस देना है। अगर पूरी माइन को कर रहे हैं तो पूरी माइन के लिए देना है। साथ में यहाँ एक कंडीशन दी है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन ऑन अकाउंट ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस अ माइन इज अबैंडन्ड, क्लोज्ड और डिसकंटिन्यूड बिफोर द सेड नोटिस हैज बीन गिवन और विदाउट प्रीवियस इंटेंशन द डिसकंटिन्यूएंस एक्सटेंड्स बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 60 डेज, द नोटिस शैल बी गिवन फोर्थविथ। यानी कि कोई अगर ऐसी आकस्मिक स्थिति आ जाती है जिसकी वजह से माइन को अचानक से अबैंडन करना पड़ जाता है या क्लोज करना पड़ जाता है या फिर उसकी वर्किंग्स को ऑलरेडी डिसकंटिन्यू करके रखा गया है, हालांकि ऐसा शुरू में इंटेंशन नहीं था कि 60 दिनों तक उसकी वर्किंग को डिसकंटिन्यू रखना है, लेकिन कुछ आकस्मिक स्थितियों की वजह से उसकी वर्किंग 60 दिनों से ज्यादा के लिए डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में तुरंत नोटिस देना है। जैसे ही 60 दिन एक्सटेंड होते हैं या फिर जिस दिन माइन अबैंडन करते हैं या फिर क्लोज करते हैं। इसमें सब रेगुलेशन 2 है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रेगुलेशन 1, व्हेन इट इज इंटेंडेड टू अबैंडन, क्लोज और डिसकंटिन्यू फॉर मोर देन 60 डेज एनी वर्किंग्स बिलो ग्राउंड ओवर विच इज सिचुएटेड एनी प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी रेलवे और एनी बिल्डिंग और परमानेंट स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू द ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ सच अबैंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस गिव नोटिस ऑफ इज इंटेंशन टू द चीफ इंस्पेक्टर एंड द रीजनल इंस्पेक्टर। सब रेगुलेशन 1 में जो भी बात कही गई है उसको साथ में रखते हुए उसके अलावा अगर किसी माइन को अबैंडन किया जा रहा है, क्लोज किया जा रहा है या 60 दिनों से ज्यादा के लिए डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, और ऐसे केस में अगर बिलो ग्राउंड वर्किंग हो यानी कि भूमिगत खदान हो और उसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी हो वो आइदर गवर्नमेंट से बिलोंग कर रही हो यानी गवर्नमेंट की वो प्रॉपर्टी हो या किसी लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी हो, लोकल अथॉरिटी का मतलब जैसे किसी नगर पालिका की या किसी नगर निगम की प्रॉपर्टी हो या रेलवे की हो या कोई ऐसी बिल्डिंग जो कि परमानेंट स्ट्रक्चर है और ओनर की नहीं है, तो उस केस में ओनर, एजेंट और मैनेजर को ऐसे अबैंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस के 30 दिन पहले अपने इंटेंशन का नोटिस चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देना है। इसका सब रेगुलेशन 3 है, व्हेन अ माइन और सीम हैज बीन अबैंडनड, क्लोज्ड और द वर्किंग्स थेरऑफ हैज बीन डिसकंटिन्यूड ओवर अ पीरियड एक्सीडिंग 60 डेज, The owner, agent or manager shall within 7 days of the abandonment, closure or expiry of the said period of discontinuance give to the chief inspector, the regional inspector and to the district magistrate notice in the form and method as may be specified by the chief inspector for the purpose. यानी कि जब भी किसी माइन को अबैंडन कर दिया गया हो, क्लोज कर दिया गया हो
या फिर इसकी वर्किंग्स को डिसकंटिन्यू कर दिया होगा 60 दिनों से ज्यादा के लिए, तो वैसे केस में ओनर, एजेंट और मैनेजर को अबैंडन करने के, क्लोज करने के या फिर डिसकंटिन्यूस के 60 दिन एक्सपायर होने के 7 दिनों के अंदर अंदर चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक नोटिस देना है एक ऐसे फॉर्म और मेथड में जो कि चीफ इंस्पेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं।